Good evening and a very warm welcome each and everyone on Supergrad's YouTube channel. And I'm going to read out a quote that was actually being given by APJ Abdul Kalam before starting this particular conversation with one of our dear student, Kashish Patel, who has made into IIM Indore lately via IPM examination. So the quote is, dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result into action. So students, how are you doing? This is a success story. And success story is important because it helps us to take to, you know, another level. So, क्या कशिश ने अपने टाइम पे किया जो आप सबको करना चाहिए इस पर्टिकुलर एपिसोड में डिकोड करेंगे साथ साथ नमस्ते सीमा मैम सीमा पटेल कशिश मदर इज ज्वाइंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड एज वेल बिकॉज वी हैव बीन डिकोडिंग वन मोर स्टोरी हमें कहीं ना कहीं एक चीज लगती है कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स जिस तरीके से दिशा देते हैं स्टूडेंट्स को वो काफी कुछ डिसाइड करता है यू नो इन द फाइनल आउटकम्स एज वेल सो सीमा मैम का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है कशिश की इस पर्टिकुलर स्टोरी में उसको भी डिकोड करेंगे इस पर्टिकुलर जर्नी में सो लेट मी स्टार्ट इट विथ कशिश फर्स्ट सो कशिश आई विश टू नो हाउ डिड यू फील ऑन दैट पर्टिकुलर डे जिस दिन आई एम इंदौर का रिजल्ट आता है तुम क्या कर रही थी क्या स्टेट ऑफ माइंड था एंड हाउ वाज द फीलिंग यस सर सो सर व्हेन द रिजल्ट केम आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग Then I didn't know the result came, so Riya ma'am called me that how was the result. So I was like, okay, I don't know. Yes. So I checked my mail, I checked the website, and then I was actually very surprised that I got into it. I'm in awe. Okay, great, great, great. Madam, आपको कैसा लगा जिससे आपको पता पड़ता है कि आपकी बेटी का IIM selection हो गया है? सर, बेटी का तो सपना पूरा हुआ साथ साथ हमारा भी तो बहुत खुशी हुई उस दिन जब रिजल्ट देखा इसको अपना सपना मिल गया तो बहुत अच्छा लगा सर सीमा मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कशिश हमारी जोश बैच की स्टूडेंट रही है और लंबे अरसे तक सुपरग्रैड्स टॉप रैंकर से जुड़ी रही इस दौरान इस तैयारी के दौरान आपने कशिश में कौन कौन से चेंजेस ऑब्जर्व किए क्या क्या चेंज देखा आपने सर हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा मेहनत करती थी मतलब 12th का तो करना ही था साथ में इसकी तैयारी भी करनी थी IIM की भी तो रात को दो दो तीन तीन बजे तक पढ़ती थी मतलब मुझे डांट के सुलाना पड़ता था इसको कि अच्छा, सो जाओ ओके मतलब मेहनत काफी मेहनत की इसने अच्छा इसीलिए जब रिजल्ट आया तो उस दिन तो रोने लगे थे जैसे मतलब काफी खुशी के एक्साइटमेंट आंसू था जो निकल आते हैं राइट ठीक है मैम और इस पर्टिकुलर तैयारी के दौरान आपने जैसे कहा कि दो दो तीन तीन बजे तक पढ़ाई करी है और वो मेहनत फाइनली रंग लाई है एक फेज ऐसा भी आया मैं आपसे अभी जैसे इंटरव्यू के पहले पूछ भी रहा था उस सिलसिले में बातचीत हमारी हो रही थी जब IIM रोहतक में शॉर्टलिस्टिंग भी नहीं होती कशिश की कैसा फील हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और आपने कैसे हौसला अफजाई करी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बच्चे उस दिन तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली अभी पोस्टेड है श्रीनगर में तो वो भी छुट्टी पे आए हुए थे तब इसका रिजल्ट आया अच्छा तो बहुत दुखी हुई थी ये तो हम दोनों ने मतलब काफी इसको मतलब मोटिवेट किया कि ऐसे नहीं है अभी तो और भी काफी है एग्जाम्स के रिजल्ट आने बाकी तो इसको लगा कि मैंने यही क्लियर नहीं किया तो पता नहीं अभी तो इंदौर रांची इनका क्या होगा रिजल्ट तो इसके डैडी ने भी काफी सपोर्ट किया इसको कि बेटा काफी अभी तो जिंदगी में कुछ करना है तो ये तो अभी मतलब एक पहला रिजल्ट है तो उसमें इतना दुखी नहीं होते All right, and madam, जितने लोग हम लोग को देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ टू ऑल द ऑडियंस who are listening to us right away, let me tell you all that, you know, Kashish's father is actually into army and they are living in Jabalpur right now. So he comes often from Srinagar. And during that particular point of time, he really helped Kashish that, you know, during the IPMAT Rohtak struggle period. And उसके बाद IPMAT इंदौर का पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है हम उस बात को आगे छेड़ेंगे बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कशिश इन पर्टिकुलर व्हाट एक्चुअली यू नो व्हाट एक्चुअली मेड यू जॉइन सुपरगाइड्स टॉप रैंकर्स इनिशियली एंड हाउ हैज बीन दिस पर्टिकुलर जर्नी Yes, sir. So, sir, it was like the ending of my 11th. I was sure that I have to do IPMAT. Okay. So, I researched about it. I saw a lot of your videos on SuperTracks. And then I attended the demo classes. It was really nice. So, I thought I should join established coaching like SuperGrad. So, I joined. All right. So, you used to watch SuperGrad's YouTube channel and used to see us over there. Okay. That may have helped you. And during this particular journey, you know, we have seen that usually students struggle with one or two subjects.
विच वर योर डिफिकल्ट एरियाज एंड हाउ डिड यू कोप अप विद देम? एक स्ट्रैटेजी जरूर रही होगी, प्लीज हेल्प हेल्प द अदर स्टूडेंट्स टुडे विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, बिकॉज अब उनको अगले साल वो स्ट्रैटेजी जरूर काम आए. ये तुम्हारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट? यस सर. सो सर, इट वाज वर्बल एबिलिटी. ओके. लाइक आई फेल्ट कि मैंने पूरे साल प्रिपेयर किया, बट उसके बाद भी वर्बल में कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है. तो मैंने मेंटरशिप सेशंस लिए वृंदा मैम के साथ. तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि लाइक यू शुड रीड स्पेशली द वोकैबुलरी आल्सो लाइक अ वेरी बिग पार्ट. सो आई फोकस्ड ऑन दैट इडियम्स और फ्रेजेस के, और वोकैब ने बहुत हेल्प की. सो उससे कट ऑफ क्लियर होने में भी लाइक बहुत आसानी हुई, और एक अच्छा मार्जिन भी मिला बिटवीन कट ऑफ एंड माय एक्चुअल स्कोर. कैन यू टेल मी अ स्पेसिफिक मोमेंट दैट एक्चुअली बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस या लोवर्ड योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो? शायद मेरे हिसाब से आईपीएम ड्रॉ तक के रिजल्ट्स सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज रहा होगा, बट यस, अगर उसके अलावा भी कुछ है तो मुझे दोनों फेजेस बताओ, जब तुम्हारे लिए बहुत लो टाइम था एंड जब तुम उस लो टाइम से बाहर आई, दोनों टाइम. यस सर. सो सर, इट वाज लाइक द जनवरी टाइम, जब बोर्ड्स की भी प्रिपेयर करना था, प्रैक्टिकल्स थे, एंड देन आईबी मैट को भी साथ में रखना था. ओके. तो देर वाज अ सेशन दैट वाज टेकन बाय अनिल सर, द फर्स्ट सेशन ऑफ ज्ञान जंक्शन. तो उन्होंने उसमें बताया कि इफ यू आर गोना थिंक दैट होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बट अगर इसकी जगह तुम पढ़ लोगे तो शायद हो भी जाए. सो फोकस ऑन दैट. और फिर उन्होंने बोला कि एक पूरा मंथ अपना नेक्स्ट प्लान करो, और यू शुड नो कि तुम हर दिन क्या कर रहे हो. तो इससे एक प्रोग्रेस ट्रैक होती रहेगी. तो उससे ये हुआ कि मेरी स्टडीज बहुत इफेक्टिव होने लगी, बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गई. सो इससे बहुत हेल्प हुई. और एक जो नेक्स्ट थिंग थी, वो जब रोहतक का रिजल्ट आया, तो आई वाज लाइक अब तो पहले कट खत्म ऑफ हो साइड है, गया. तो यस सर, कट ऑफ साइड है, तो मुझे लगा आसानी से क्लियर हो जाएगा क्योंकि 100 मार्क्स कम थे लास्ट ईयर से. राइट बट राइट. जब उसका एक्चुअल रिजल्ट आया, तो आई वाज लाइक कि कैसे हो सकता है, अब तो शायद इंदौर भी नहीं होगा. बट फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया मैंने, रिया मैम से बात की, उन्होंने बोला चेकमेट और इंटरव्यू दोनों पे फोकस करो क्योंकि इंदौर का हो जाएगा तुम्हारा. सो वैसे ही करके तो इंदौर की क्राफ्ट हो गया. Fantastic points being made by Kashish over here. So this journey has not been that easy, guys. It has not seen just success. It has seen a lot of struggle with standard 12th. It has seen some motivation coming from the mentors like Anil sir in between. It has seen a failure in the form of IIM Rohtak's result. In fact, she is not getting shortlisted over there. And finally, she gets inside IIPMAT Indore with a bit of struggle. Then, with support of mentors and everything, cracking that particular result as well. It has been a commendable journey. But I would like to ask her right now, you know, there have been a lot of mentors who have supported you, Kashish, in this particular journey. Would you like to name some of them? And I would like to also understand how did actually Supergrad's top rankers as a whole coaching helped you? Because ek saal ki lambi journey rahi hai. So, how did Supergrad's help you, you know, handholded you and actually took to you? To Anandor. यस सर. सो सर, स्पेशली द फैकल्टी वाज वेरी ग्रेट. लाइक अनिल सर वाज देयर, वृंदा मैम, संजय सर. लाइक आई वाज अ स्टूडेंट हु हैड अप्लाइड मैथ्स, तो ट्रिग्नोमेट्री तो 10th के बाद से बिल्कुल टच नहीं की थी, एंड बाइनोमियल आल्सो. तो संजय सर ने इतना इजीली एक्सप्लेन किया कि लाइक इट वाज माय स्ट्रेंथ, स्पेशली द बाइनोमियल पार्ट. और उससे एक्चुअली क्वेश्चंस आए थे आईबी मैट इंदौर के शॉर्ट आंसर सेक्शंस में. सो सर, वो बहुत हेल्प किया. और लाइक द इंग्लिश मेंटर्स लाइक सना मैम, वृंदा मैम, अभिषेक सर, ऑल ऑफ देम वर सो सपोर्टिव. एंड देन द मेंटर्स ग्रुप आल्सो, लाइक रिया मैम, शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी. He was always there for लाइक you. यस सर, लाइक शी Okay. ऑलवेज हेल्प मी. व्हेन एवर आई यूज टू कॉल हर, शी यूज टू पिक अप माय फोन, एंड देन लाइक या शी ऑलवेज गाइडेड मी. Great points being made, and certainly a thanks and gratitude to the mentors is the actual thing that is reflected from Kashish's side. Now, मैडम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे पेरेंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको देख रहे होंगे, राइट? एक आप अपने आप रह रहे जबलपुर में हैं, सर श्रीनगर में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हैं. बहुत बार मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ना, पेरेंट्स की लाइफ बहुत टफ होती है. पेरेंट्स को ज्यादा बुरा लगता है बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, तो पेरेंट्स ज्यादा खुश होते हैं जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा,
बाकी पेरेंट्स जो आपको सुन रहे हैं आज के टाइम पे, आपने ऐसा क्या किया जो उनको भी करना चाहिए जब वो अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखो ना देखना चाहते हैं तो? सर एक्चुअली बच्चे जो चाहे जैसे सब्जेक्ट चूज करने में भी तो उसमें बच्चों की हेल्प करना चाहिए। अगर बच्चे जो लेना चाहते हैं तो हमें मॉरल सपोर्ट भी करना चाहिए बच्चों को। कभी कभी डीमोटिवेट होते हैं तो उसमें भी काफी मतलब बच्चों को देखना पड़ता है हमें। और अभी तो मेरे हस्बैंड इधर थे भी नहीं, मतलब दोनों का मुझे खुद को ही करना था। आपको पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर निभाना पड़ रहा होगा, बिकॉज यू नो आई आई अंडरस्टैंड आर्मी मेन्स लाइफ इज वेरी वेरी टफ, यू नो आई थिंक दे उनके लिए सबसे पहले नेशन आता है एंड सडनली उनकी फैमिली को बहुत स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ता है हर पॉइंट ऑफ टाइम पर. सर लेकिन डेली फोन पे मतलब बच्चों से बात करके वो बात भी करके वहां से वहां मोटिवेट से वो जरूर कर रहे हैं, या ठीक मेरे से ज्यादा सपोर्ट वो करते है ठीक है. हैं। पापा का नाम क्या है? कशिश बेटा. जितेंद्र सर जितेंद्र पटेल सर को भी हमारा थैंक यू बोलिएगा आपको इतना सपोर्ट करने के लिए, तभी आप यहां तक पहुंच पाए हैं. एक और इंपॉर्टेंट चीज मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुपरग्रैड सबसे बच्ची ने ज्वाइन किया, आपको क्या लगता है सुपरग्रैड टॉप रैंकर्स ने क्या रोल प्ले किया है? सर मतलब सबसे अच्छा रोल प्ले तो सुपर ग्रेट ने किया है क्योंकि जो मेंटर्स थे उनके वो बहुत सपोर्टिव थे। कुछ भी डाउट्स रहते थे तो वो बच्चों का मतलब जरूर क्लियर करते थे, हमेशा कॉल करते रहते थे बच्चों को। और टेस्ट भी बार बार जो होते थे, बाद में जो इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करवाई। मतलब समझ लो कि आधा आधे से कम हमने, लेकिन आधे से ज्यादा तो उन्होंने पूरा उन्होंने सपोर्ट सपोर्ट किया. किया बच्चों किए। यस सर ऑलराइट कशिश, इन योर जर्नी देयर इज हैज बीन अ वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड टफर पार्ट आल्सो, बिकॉज़ यू नो यू आर इक्वली डीलिंग विद 12 बोर्ड प्रिपरेशंस एंड रियली दैट वुड हैव पुट यू ऑन योर नीज, राइट? लाइक हाउ टू बैलेंस 12th एंड आईपीएम प्रिपरेशंस टुगेदर. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन स्टैंडर्ड 12th राइट नाउ मे बी लिसनिंग टू यू राइट नाउ एंड वुड लाइक टू सीक योर एडवाइस, यू नो कि हाउ डू यू फुलफिल बोथ द कमिटमेंट्स, 12th एज वेल एज आईपीएम प्रिपरेशंस? यस सर। सो सर स्टार्टिंग में इट वाज लाइक अभी आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बोर्ड्स नहीं है सो आई वाज फोकसिंग ऑन आईपी मार्ट। बट जैसे आई रियलाइज्ड कि अभी आईपी मार्ट को और फोकस करना पड़ेगा, बोर्ड्स इज समथिंग दैट आई कैन मैनेज इन 3 or 4 months आल्सो। सो लाइक आई डिवोटेड माय टाइम इन दिसंबर, सो नवंबर दिसंबर टू आईबी मैट मोर। बट फिर उससे एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि बोर्ड्स इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट और उसका एक वेटेज भी जाता है रांची और रोहतक में। सो जनवरी से वो फेज स्टार्ट हुआ जब बहुत स्ट्रगल्स हुए। लाइक उस टाइम पे मैंने आईबी मैट की प्रिपरेशन को बहुत कम कर दिया था एंड आई ओनली फोकस्ड ऑन बोर्ड्स। स्पोर्ट्स, सो राइट? द प्रैक्टिकल पीरियड एंड द प्री बोर्ड, देयर वर टू टू थ्री प्री बोर्ड्स बाय आवर स्कूल, सो उसको भी देना था। सो एक्चुअली दैट हेल्प मी टू एलोकेट द टाइम। लाइक बोर्ड्स आ रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन बोर्ड्स, और अगर आईबी मार्क की प्रिपरेशन अभी नहीं करनी है तो इट्स ओके, यू कैन डू इट इवन आफ्टर बोर्ड्स क्योंकि तब यू विल हैव 24 आवर्स। लाइक यू कैन स्टडी 18 आवर्स एंड यू कैन कवर इट अप। सो दैट वॉज द मेन थिंग। ओके, सो यू प्राइमली मैनेज द शेड्यूल वेरी वेल. सो बेसिकली शी इज सेइंग वेन एवर थोड़ा सा बोर्ड का सूरज भारी हो रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोर्ड की पढ़ाई कर रही थी कशिश, एंड वेन एवर शी वॉज फाइंडिंग टाइम स्पेसिफिकली लास्ट 4-5 मंथ्स शी यूज टू डिवोटेड टू आई पी मैट, एंड लास्ट में जब बोर्ड्स खत्म हो गए तो पूरा डिवोशन आई पी एम की तरफ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चला गया. हालांकि शुरुआत में आई पी एम को बहुत ज्यादा तवज्जो भी दी कशिश ने, दैट्स हैज बीन अ स्टोरी ऑफ कशिश. आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कशिश, व्हाट वाज योर परसेंटेज? बिकॉज यू नो मैं आजकल परसेंटेजेस नहीं पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि प्लीज आप पूछिए 12th में कितने परसेंटेज आए आपके. सो सर ओवरऑल इट वाज 92 92 वाज नाइनटी फैंटास्टिक, फैंटास्टिक परसेंटेजेस कशिश, एंड सर्टली एंड क्रैकिंग आईपीएम एंड गेटिंग 92% इज एन ऑलराउंडर्स वर्क, यू हैव डन एन ऑलराउंडर्स वर्क, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट. थैंक यू लेट मी सर। आस्क यू दिस ऑल्सो, आई थिंक यू नो वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट फेज वुड हैव बीन द इंटरव्यूज, सो हाउ वॉज दैट जर्नी एक्सपीरियंस विद सुपरग्रैड्स टॉप रैंकर्स, एंड क्या क्या चीजें थी जहां पर मदद मिली, कहा क्या क्या चीजें थी तुम्हारी वीकनेस थी जिसको तुम ओवरकम कर पाई बाद में? यस सर। सो सर इंटरव्यूज लाइक आई टुक 3 to 4 इंटरव्यूज विद सुपरग्रैड्स। सो द लास्ट वन वाज ऑफलाइन इंटरव्यू दैट एक्चुअली हेल्प मी अलॉट
टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. लाइक इन ऑनलाइन इंटरव्यूज वी डोंट फोकस मोर ऑन बॉडी लैंग्वेज, बट लाइक दैट रिफ्लेक्टेड इन माई ऑफलाइन इंटरव्यू. एंड लाइक राना मैम वॉज देयर एट इंदौर सेंटर, सो शी टोल्ड मी अबाउट दैट एंड इट एक्चुअली हेल्प इन द एक्चुअल इंटरव्यू एज वेल. और लाइक देर वर टू क्वेश्चंस, वॉट इज द करेंट बैंक रेट एंड द करेंट रेपो रेट. सो द सेम क्वेश्चन वॉज The आस्ड इन interview as well. ट्रांसलेट. Yes. Okay, that's great. That's And great, right? there Yeah. was one more thing. I had a group of my friends. We used to take each other's interviews, so it was actually helpful because, like, we used to ask the toughest questions, and like the answers were actually very interesting, like the situational based questions. So it also helped a lot. Did you see the entire classes as well? You saw all the classes as well? I mean, for of the admission batch? Yes, sir. I saw You all saw the all the classes. classes. Okay. Now, let me ask this particular thing because, your advice would certainly be helpful to the students who are listening to you right now, Kashish, because they would be writing the examinations next year. So, one unique advice that you would like to give, yeah, three, four things that you would like to state it to the students that, they should do. That can be from your shortcomings, that can be from your success. So, what all would you like to advise to the students? Yes, sir. So, sir, I think the biggest thing is to like make the best use of the time that you have. Like, I was in a regular school, so 3 to like 5 to 6 hours school में ही जाते थे. So उसका आउटपुट निकालना वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन योर क्लासेस एंड देन यू ऑल्सो हैव ट्यूशंस फॉर बोर्ड्स एंड देन फॉर IPMAT ऑल्सो. सो लाइक जितना भी टाइम तुम पढ़ रहे हो, यू शुड कीप योर फुल फोकस ऑन इट. लाइक नो टाइम वेस्ट. इफ यू आर स्टडिंग 2 hours, देन इट शुड बी अ टेम्परेरी पीरियड फुली फोकस्ड. और अगर नहीं पढ़ रहे हो, सो यू शुडंट लुक एट योर स्टडीज, यू शुड लाइक एंजॉय योर टाइम. सो इट वॉज द मेन थिंग कि इफेक्टिव यूज ऑफ योर टाइम शुड बी देयर. I think the effective time management can really help you a lot, and that is clearly evident from Kashish's journey. And not only that, she got support from some fantastic people like her parents, Seema ma'am, and certainly Jiten sir as well. And because of that, this is the feat today that she is getting inside IIM Indore, and ek victory sign banakar aap zarur ab IIM Indore mein ja rahe hain. थैंक यू सीमा मैम, आप इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए आए, एंड थैंक यू कशिश, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. सर्टनली मे यू हैव अ फैंटास्टिक लाइफ अहेड. Thank you so much. Thank you थैंक so यू, much, sir. And थैंक यू. thank you, super great family. काफी सपोर्ट दी रही. मेरी बेटी का सपना पूरा हुआ, हमारा सपना पूरा हुआ. थैंक यू सीमा थैंक मैम, थैंक यू. यू.